आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 131, ठीक है, भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लेकर के 300 ईस्वी तक। आज हम लोग इस क्लास में खास तौर से इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं या कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें मैं चैप्टर भी बताऊंगा, चैप्टर के साथ साथ मैं आप सबको क्वेश्चन भी जरूर बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, जितने मैं चैप्टर बताऊंगा उन चैप्टरों से हर साल आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, BHIC 131 जो आपकी बुक है, ये चाहे आप BAG में है, अब एक नया प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम है BAM, ठीक है, उसमें भी खास तौर से आपके पास सब्जेक्ट रहेगा BHIC 131, ठीक है। ये बुक जो है इसका जो एग्जाम होगा ना 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 35 नंबर, 35 मार्क्स क्या है इसमें से पासिंग रहेगा। और आपका ये जो एग्जाम होगा वह 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन 8 आते हैं, ठीक है। एक चीज बता दो, जो क्वेश्चन आएगा ना इसमें लगभग सभी 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 20 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप लोग लिख रहे हो ना तो कम से कम 4 पेज का तो लिखना ही पड़ेगा। इग्नू की जो आंसर शीट होती है, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, अगर मैं आंसर शीट की बात करूं तो उस आंसर शीट में कम से कम 4 पन्ने तो लिखने ही पड़ेंगे। जैसे एक पेज होता ना, उसके आगे एक पीछे दो, इस हिसाब से इतना तो लिखना पड़ेगा। ये तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हो, देखो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से चैप्टर में से एग्जाम में से आता है बुक के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। तो खास तौर से एक बात मैं बता दूं, जो आपका पहला चैप्टर है, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें से क्वेश्चन पहला आएगा ही आएगा। आप हर साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठा करके देखेंगे तो पहले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पूछेगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देकर के बताऊं ना, देखो जैसे यहाँ पर इसने पूछ रखा, पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए गए पुरातात्विक स्रोतों को बताओ। कभी पुरातात्विक स्रोत पूछेगा, कभी साहित्यिक स्रोत पूछेगा, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हर साल जो आता भैया पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों के रूप में सिक्के और अभिलेखों को बताओ। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को जब लिखा जाता है तो इतिहास लेखन में जो सिक्के मिले हैं और जो अभिलेख मिले हैं उनका क्या महत्व है इतिहास लेखन में, ठीक है। जैसे और मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर की बात करूं, अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पहले चैप्टर से ही पूछता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक विज्ञान का आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यानी हर साल अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर को तो पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछेगा, जो कि 20 नंबर का। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में बौद्ध और जैन साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। तो यानी पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आएगा जो कि 20 नंबर का आएगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया, इसका मतलब है कि 20 नंबर का तो आपका कंफर्म ही हो जाएगा। यानी 20 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, 20 नंबर बन जाएंगे। यानी पहला चैप्टर पढ़ो, 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो हर हालत में आएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपका दूसरा एक क्वेश्चन या अगले कौन से चैप्टर है, अगला चैप्टर याद रखिएगा 5वां और 6ठा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को लेकर के पेपर में एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको चैप्टर नंबर 5 हड़प्पा सभ्यता कालानुक्रम भौगोलिक विस्तार ह्रास और विघटन, और दूसरा 6ठा चैप्टर क्या है, हड़प्पा सभ्यता भौगोलिक विशेषता संपर्क के रूप में समाज और धर्म। देखो हड़प्पा में समाज कैसा है, हड़प्पा में धर्म कैसा है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या है, हड़प्पा सभ्यता को लेकर के एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो 5वां और 6ठा चैप्टर में से एक क्वेश्चन हर साल पूछेगा। कभी मोहनजोदड़ो पूछ लेगा, कभी कालीबंगा पूछ लेगा। यानी 5वां और 6ठा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
हरिप्पा सभ्यता चाहे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे या 10 नंबर का, 10 में आएगा तो 2 आएगा और 20 में आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा। यानी पांचवा और छठा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो यहाँ पर देखो हरिप्पा सभ्यता को लेकर के हर साल क्वेश्चन है। जैसे मेहरगढ़ है, हरिप्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नाना कुंड है, ये 2 क्वेश्चन हो गए ना अगर आप देखेंगे। और दूसरा अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, जैसे क्वेश्चन तीसरा देख लो, हरिप्पा सभ्यता में लोगों के समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए, यानी हरिप्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और पांचवें छठे चैप्टर को आप एक ग्रुप में रखो। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हरिप्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार बताओ, भैया हरिप्पा सभ्यता कितनी फैली है, भौगोलिक विस्तार यानी उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन कैसे है। हरिप्पा सभ्यता अगर आप देखेंगे तो भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान कश्मीर के इलाके से लेकर के अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान तक एक पूरी फैली हुई सभ्यता है। तो हरिप्पा सभ्यता को लेकर के एक क्वेश्चन हर साल, एवरी ईयर, जिसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया था हरिप्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, ठीक है भाई, हरिप्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके बारे में। यानी दूसरा क्वेश्चन कह सकता हूँ जो पहले चैप्टर की बात बनेगा इंपॉर्टेंट, वो हरिप्पा को लेकर के आएगा ही आएगा, और हरिप्पा का क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर पूछा गया है। तो इसलिए हरिप्पा के सभ्यता के वाला जो क्वेश्चन है, यानी पांचवा और छठा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक ग्रुप में रखो। यानी पांचवा छठा को एक ग्रुप मानो, यानी इन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है। यानी 2 क्वेश्चन हो गए कन्फर्म, कितने हो गए, 2 हो गए, यानी 40 नंबर के बन गए, ठीक है। अगला चैप्टर में चलो, अगला चैप्टर में लगाओ भैया आठवां नौवां, यानी वैदिक काल को लेकर के, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को लेकर के क्वेश्चन आएगा। तो अगले 2 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट बनेंगे आठवां नौवां, आठवां नौवां भी एक ग्रुप में डालो। आठवां और जो नौवां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आरंभिक वैदिक समाज, आरंभिक वैदिक समाज को ऋग वैदिक समाज भी बोला जाता है क्योंकि उस समय ऋग्वेद की रचना की गई है। आरंभिक वैदिक समाज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल बोला जाता है। और उत्तर वैदिक काल में कह सकते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना है। देखो वैदिक काल कहते हो भैया जिस समय वेद की रचना की गई, और आप सबको पता हो कि हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। तो भैया आरंभिक वैदिक काल में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो आरंभिक वैदिक काल में समाज कैसा है, आरंभिक वैदिक काल में धर्म कैसा है, आरंभिक वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी है, आरंभिक वैदिक काल में राजनीति कैसी है। और नौवां चैप्टर देखो, नवा चैप्टर है उत्तर वैदिक काल, यानी आफ्टर ऋग्वेद वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों की रचनाएं की गई। यानी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 एक ग्रुप में डालो, क्योंकि वैदिक काल को लेकर के, वैदिक युग या वैदिक को लेकर के एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप, मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो देखो वैदिक काल को लेकर के हर साल क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन देख लो, उत्तर वैदिक राज व्यवस्था में समाज की मुख्य, यानी उत्तर वैदिक काल में राज व्यवस्था कैसी है और समाज कैसा है, ये क्वेश्चन देखो 20 नंबर का पूछ लिया ना। हर साल देखो, हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखो जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर पूछ लिया है, अगर जैसे हम लोग बात रहे हर साल मोस्टली वैदिक सभ्यता को लेकर के क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी भी ईयर में अगर आप चलेंगे तो वैदिक, देखो यह क्वेश्चन पूछ लिया ना, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तन बताओ। भैया उत्तर वैदिक काल में जो समाज है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो, उत्तर वैदिक काल को लेकर के 2 साल पूछा। अगला देखिएगा, यहाँ आरंभिक वैदिक युग, आरंभिक वैदिक में राजतंत्र और धर्म बताओ। यानी ज्यादातर भैया राजतंत्र यानी राजनीति कैसी है, धर्म कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसे है, चाहे उत्तर वैदिक काल का पूछे चाहे आरंभिक वैदिक काल का पूछे, हर साल 20 नंबर का एक क्वेश्चन कर्म फर्म है। जैसे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी बताओ, 20 नंबर का क्वेश्चन। यानी वैदिक उत्तर वैदिक काल, आरंभिक वैदिक काल, यानी जो आपका चैप्टर था अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी 3 क्वेश्चन हमारे कन्फर्म हो गए, कितने, 3 हो गए, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे 60 नंबर का इतना तो आना ही आना है, यानी 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन मैंने बता दिया, यानी 50 यानी आधे तो बता ही दिए, यानी 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा जितने मैंने चैप्टर बता रखे। अगला चैप्टर आ जाओ, अगला चैप्टर आपका है 13वां 14वां, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में जाएंगे। 13वां 14वां,
13वां चैप्टर जो मौर्य काल को लेकर के है, मौर्य प्रशासन को लेकर के है, और 14वां चैप्टर भी मौर्य साम्राज्य को लेकर के। तो मौर्य साम्राज्य को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे मौर्य समाज में अर्थव्यवस्था आ जाए, प्रशासन आ जाए, ठीक है, मौर्य समाज में कह सकते भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसी होगी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, या उस समय कैसी क्या चीजें हैं, मौर्य साम्राज्य में अर्थव्यवस्था, समाज, उनका संगठन कैसा है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 14 है, सॉरी 15 नहीं, चैप्टर 13 14 लगाओ, ठीक है, 15वा नहीं भाई, अब 15वा भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, पहले लगाइए चैप्टर 13 14। चैप्टर नंबर 13 क्या है, मौर्य शासन की स्थापना, मगध साम्राज्य का विस्तार। चैप्टर नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप में रखना है। और चैप्टर 14 प्रशासनिक संगठन, अर्थव्यवस्था और समाज। अगर मैं बात करूं 13वां 14वां चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी पूरा ग्रुप है, क्या है, 13वां 14वां एक ग्रुप है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखो मैं दिखाता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आया है नहीं आया। देखो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अगर आप बात करेंगे तो खास तौर से इसी चैप्टर से पूछा गया है, अगर आप देखेंगे, यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा है 7वां ना, साम्राज्य की परिभाषा क्या है, मौर्य के संदर्भ में चर्चा कीजिए, मौर्य साम्राज्य के संबंध में साम्राज्य बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगर देखो इससे क्वेश्चन हर साल पूछते हैं लोग, ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे मौर्य साम्राज्य को लेकर के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जैसे अगर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य को लेकर के, जैसे अगर कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, यानी हर साल अगर आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे अगर आप देखेंगे मौर्य काल से पूर्व महाजनपदों के समय होने वाले आर्थिक परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेना। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन पेपर यहां पर देखो, यहां पर भी देखोगे जैसे पूछ लिया ना मौर्यों के पतन अधीन राजस्व प्रशासन की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तो मौर्य वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13-14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर जो और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला चैप्टर चलो भैया 10वां और 11वां चैप्टर में निशान लगा। 10वां चैप्टर है जनपद और महाजनपद, इसमें छठी शताब्दी को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा, छठी शताब्दी में नगर फगर को लेकर के, छठी शताब्दी एक क्वेश्चन बन सकता है, और महाजनपद काल को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे महाजनपद में पूछ लिया दुनिया भर के, जैसे महाजनपद में जैसे मगध पूछ लिया, ठीक है, कंची पूछ लिया, काशी पूछ लिया, उज्जैन पूछ लिया। तो अगला चैप्टर निशान लगाओ चैप्टर नंबर 10वां और चैप्टर नंबर 11वां। चैप्टर नंबर 11 बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धार्मिक विचार। बौद्ध धर्म को लेकर के, जैसे महावीर को लेकर के, महात्मा बुद्ध को लेकर के, महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं, जैन धर्म में क्या बोला गया है, इस प्रकार। यानी अगला चैप्टर लगाओ 10वां 11वां चैप्टर, क्या है अगला चैप्टर जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, इसको भी एक ग्रुप में रखो, क्योंकि इन दोनों चैप्टरों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आएगा, इन दोनों चैप्टरों से एक क्वेश्चन आएगा। अब एग्जाम में बताते हैं कहां कहां से। देखो अगर आप देखो, जैसे यहां पर देखोगे खास तौर से, अगर आप देखेंगे जैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन कहां पूछा गया, मैं दिखाता हूं, देखिएगा। जैसे पूछा गया है कि अगर आप देखेंगे छठी शताब्दी में 9 सामाजिक गुटों के उदय की चर्चा कीजिए, ये खास तौर से अगर आप छठी शताब्दी वाला जो क्वेश्चन बोला ना, ये जनपद और महाजनपद से ही पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पेपर मैं दिखा देता हूं, देखो जैसे आपसे पूछा गया ना, जैसे आप देखेंगे इसमें, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया महाजनपद, महाजनपद की परिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है, छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का संक्षेप, यानी 16 महाजनपद कौन कौन से, सबका नाम बताना है, ठीक है, जनपद में से क्वेश्चन आ रहा हर साल। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अगर आप देखें जैसे पूछा है ना, जैसे यहाँ पर खास तौर से अगला जनपद और महाजनपद को लेकर के, देखो क्वेश्चन हर साल जनपद से पूछता ही पूछता, कभी आता है, तो जनपद वाला काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखो इन्होंने पूछ लिया है जैसे मौर्य को लेकर के क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला हर साल मौर्य को लेकर, देखो यहाँ पर मौर्य को लेकर डबल क्वेश्चन देखा था, इसलिए मौर्य वाला मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, और जनपद वाला भी इंपॉर्टेंट है, और महावीर जैन, जैसे पूछा ना महावीर के उपदेश बताओ, भैया महावीर ने कौन कौन सा उपदेश दिया है, पूछ लिया ना, इस प्रकार का क्वेश्चन। देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया छठी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी की अवधि में समाज में किस प्रकार के परिवर्तन। यानी अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो चैप्टर मैंने बता रखा है कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, क्या चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 में से एक क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला जो एक चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15। क्या है चैप्टर नंबर 15? क्या है? दक्कन और तमिलाहम के आरंभिक राज निर्माण, दक्कन को लेकर के या तमिलाहम को लेकर के। तमिलाहम, तमिलाहम यानी तमिल जो भाषा है, तमिल जो राज है, जैसे चेर चोल पांड, यानी दक्षिण भारत को लेकर के एक क्वेश्चन आ सकता है, दक्कन को लेकर के या तमिलाहम को लेकर। त्रिणय जो है आता क्वेश्चन एग्जाम में, या तमिलाहम क्या है, तमिल भाषा को लेकर के। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर तमिल भाषा वाला एक बार देख लें, तमिल साहित्य क्या है, तो यानी क्या है चैप्टर 15-17, क्या है चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 17, क्या है चैप्टर 15 और चैप्टर 17, ये एक ग्रुप है। और ये आखिरी चैप्टर मैं बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 15 तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आ सकता, और चैप्टर नंबर 17, ये दो ग्रुप बना लो। ये यानी इतने चैप्टर मैंने बताए। अब मैं बात करता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया पेपर में। अगर हम लोग पेपरों के क्वेश्चनों की बात करें तो अगर आप देखोगे इस चैप्टर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे, जैसे यहाँ पर देखा है सातवाहनकालीन प्रशासन, इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और कुषाण, कुषाणों को लेकर के उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। या अगर आप देखेंगे दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन की बात, त्रिणय की अवधारणा क्या है, प्राचीन तमिलकम में राज व्यवस्था में अर्थव्यवस्था बताओ, यानी ये चैप्टर खास तौर से 15वें से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तमिलाहम, देखो सातवां क्वेश्चन देख लो, प्राचीन तमिलाहम या तमिलाहम में राजनीतिक समाज को बताओ, ये क्वेश्चन खास तौर से चैप्टर नंबर 15 से आया है। प्राचीन तमिलाहम या तमिलाहम में तीन विभिन्न प्रकार के मुखिया तंत्रों पर निबंध लिखो, तमिलाहम से मुखिया तंत्र को लेकर के, यानी चैप्टर नंबर 15 जो है यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 15 और 17 में से 17 एक लगा लो, चैप्टर 15-17 में से तमिल भाषा या तमिल साहित्य को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा, चैप्टर 15 और 17 में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितने चैप्टर मैंने बताए हैं इतने चैप्टर तो पढ़ करके ही जाना है। तो मैंने कौन कौन सा चैप्टर बोला है, खास तौर से पहला चैप्टर, पांचवा छठा, आठवां नौवां, दसवां ग्यारहवां, तेरहवां चौदहवां और 15वां, इतने चैप्टर तो लगा ही लो। अब एक बार 17वां वाला पढ़ जरूर लेना, यानी इतने चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जरूर कह सकते हैं, अगर आप लोग ना सारा फोकस सिर्फ इसी चैप्टर पे डाल दो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएगा। क्या मैंने बोला, एग्जाम में जो सारे क्वेश्चन आते इसी चैप्टर में से थे, और कहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर आप पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इन्हीं चैप्टर में से सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो आप टारगेट करके तैयारी कीजिए, ठीक है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो समय कम होता है और टारगेट टीचिंग, यानी आप टारगेट बना करके प्रिपरेशन करोगे तो ज्यादा नंबर पाया जा सकता है ना। देखो भाई पेपर पास करने का जो तौर तरीका है, पेपर में ज्यादा नंबर लाने का तरीका यही होता कि हमें एक प्रकार से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, समझ लो। क्या बोलते हैं भैया उसको, स्मार्ट स्टडी, यानी क्या है कि कम मेहनत में ज्यादा नंबर कैसे आए। भाई मेहनत तो गधा भी कर रहा है ना, और देखो गधा कितना मेहनत करता है, लेकिन गधे को लोग कहाँ श्रेय दे रहे हैं। तो गधे की तरह क्या कि आप पूरी किताब पढ़ लीजिए, आप पूरी किताब में दौड़ जाइए, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या कि अगर आपके पास कम समय है, क्या है, अगर आपके पास कम समय है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़िए। क्या आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ो, चैप्टर इंपॉर्टेंट होता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, चैप्टर। यानी जैसे मैं बोला कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, मैंने ग्रुप में बताया, जैसे मैंने आपको एक शब्द बोला कि हड़प्पा को लेकर के क्वेश्चन आएगा, लेकिन हड़प्पा का क्वेश्चन क्या पूछेगा ये बताना तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा को लेकर के नहीं, पांचवा छठा जैसे मैंने बोला आएगा, आठवां नौवें से क्वेश्चन आएगा, पहले में से एक क्वेश्चन आएगा। तो जो जो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं इनको आपको करके जाना बहुत जरूरी है। और आपकी जो बुक है BHIC 131, ठीक है, इसमें से जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट, खास तौर से मैंने क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन दिखा दिया ताकि आपको पूरा भरोसा हो जाए। ये क्वेश्चन पेपर से ही मैं दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन इन चैप्टरों से आए हैं, सिर्फ मैं चैप्टर ऐसे ही नहीं बता दिया बल्कि मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया है कि किस प्रकार से। देखो जैसे हड़प्पा को लेकर के, तो हड़प्पा वाले देखो तिथि निर्धारण के तरीके, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार, तो हड़प्पा को लेकर के क्वेश्चन हर साल पूछेगा, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हड़प्पा से क्वेश्चन 40 नंबर का आ जाता है, कई बार चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि यानी हड़प्पा से ही 40 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने मार दिए, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो खास तौर से कब हुआ था है?
दिसंबर 2022 में क्या इन्होंने 40 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ हरिप्पा से लेकर के पूछ लिया, यानी चैप्टर नंबर 5 और 6 में से पूछ लिया 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर आप कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बहुत वेटेज है, 40 नंबर बहुत होता है, या आप उसी में से इतना पूछ लिए, तो ऐसा होता है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया है कि क्वेश्चन पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन, जैसे अगर आप देखेंगे खासतौर से क्वेश्चन हर साल आता है, जो जो चैप्टर बताए हैं वही वही चैप्टर आपको पढ़ना है, बाकी कोई अदर चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लेना, किताब निकाल लेना, बुक में निशान लगा लो, किताब में निशान लगा लो, जो जो चैप्टर मैंने बताए हैं उन्हीं उन्हीं चैप्टरों को पढ़ करके जाना है। और रही बात क्लास की, जितने चैप्टर मैंने बता रखे हैं मैं मैराथन में भी यही चैप्टर पढ़ा दूंगा। क्या मैं मैराथन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, एग्जाम से आपको 2-3 दिन पहले मैं क्लास जरूर पढ़ा दूंगा BHIC 131 की, ठीक है। बीच बीच में भी मैं पढ़ाता रहता हूँ, अगर आप चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको BHIC 131 के प्लेलिस्ट में ये सारे चैप्टर मिल जाएंगे जितना मैंने बोल रखा है, और जो जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इतना पढ़ लो, इसी में से आपका एग्जाम पास हो जाएगा, ज्यादा आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेपर इसी में से आता है। और एग्जाम से पहले भी मैं आपको मैराथन जब पढ़ाऊंगा तो जितने चैप्टर में मैंने निशान लगवा रखा है इन्हीं चैप्टर में से मैं पढ़ाऊंगा, मैराथन भी मैं इसी में से पढ़ाता हूँ, और इसी में से एग्जाम में पेपर भी आ जाता है। एग्जाम पास का होने का तरीका बहुत इजी है, और BHIC 131 जो किताब है, जितने चैप्टर मैंने बताया इसी पर निशान मान लो, इसके इसको सिवा छोड़कर के कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो मैंने बता रखा है, जैसे मैंने जो जो बोल रखा है वही वही पढ़ लो, उसी में से आपका जो पेपर होगा आराम से पास हो जाएगा, आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैराथन क्लास भी मैं आपको बहुत जल्द पढ़ा दूंगा।